हेलो दोस्तों, 1 फरवरी 1857 की बात कर दूँ, ऐसी स्टोरी के मैं आज बात करने वाला हूँ जिसकी स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैकी श्रॉफ के बारे में। जैकी श्रॉफ जो एक मुंबई की छोटी सी चौल से आज स्टारडम पर पहुँच चुके हैं, उनकी किस्मत की कहानी, उनके किस्से, सभी कुछ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। 1 फरवरी 1957 को बालकेश्वर मुंबई में जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ। तब से अब से उन्होंने 250 से ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में की है और 80 के दशक से सबके सफल हीरो की मैं बात करने वाला हूँ। हीरो जो कि उनकी फिल्म हीरो से ही हीरो बने थे। सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 है कि जग्गू दादा नाम से उनको लोग बुलाते हैं, आज भी लोग बुलाते ही हैं, लेकिन वो चौल में सभी किसी को मदद करते रहते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था जग्गू दादा, जिससे सभी उन्हें जग्गू दादा के नाम से अभी भी प्यार से बुलाते हैं। गरीबी के चलते उन्होंने अपनी 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और 11वीं तक ही चल पाए, और 11वीं के बाद उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें नौकरी में भी कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। उनके साथ साथ उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था। उन्होंने खाना बनाने के लिए कहीं होटल में भी नौकरी की तलाश की, लेकिन सोचिए, इतने बड़े स्टार को खाना बनाने के लिए भी नौकरी नहीं मिल रही। एक दिन की बात है कि बस स्टैंड पर उनकी किस्मत खुल गई। बस स्टैंड पर वो खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे आकर पूछा कि भाई लंबे चौड़े तो बहुत अच्छे हो, क्या मॉडलिंग करोगे? तभी उनको नौकरी की बहुत तलाश थी। उनके मन में एक ही सवाल आया और एक ही सवाल उन्होंने पूछा, क्या पैसे मिलेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत सारे पैसे मिलेंगे भाई। तभी से उनको मॉडलिंग करियर शुरू किया और अब उनकी किस्मत बदल गई। जग्गू दादा ने पहली बार हीरो फिल्म में काम किया और हीरो फिल्म से ही वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। आलम ये था कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर और दिग्दर्शक उनको साइन करने के लिए बहुत ही उतावले होने लगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल स्टार बन गए थे और उनकी हीरो इतनी सक्सेसफुल रही कि उनकी जिंदगी पलट गई। जैकी श्रॉफ गरीबी में इतने उलझे हुए थे और इतने सीधे साधे थे कि हीरो फिल्म के सफल होने के बाद भी उन्होंने चौल में रहना नहीं छोड़ा। कई स्टार तो एक दो फिल्म होने के हिट होने के बाद ही या फिर एक वो एडवर्टाइज हिट होने के बाद भी कहीं दूर रहने चले जाते, लेकिन जग्गू दादा वहाँ पर ही रहते थे और कई सारी फिल्मों की शूटिंग आप देख सकते हैं कि उनकी चौल के आसपास ही हुई। उनकी शादी की बात करें तो उनकी शादी हुई थी आयशा से। आयशा एक शाही परिवार से आई थी, लेकिन अपने प्यार के लिए उन्होंने अपना शाही घराना छोड़ दिया और जैकी श्रॉफ के साथ चौल में रहेंगे। उनके बाद उनको 2 बच्चे हुए, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ को तो हम बहुत अच्छी तरह से अभी जानते भी हैं और वो फिल्मों में अच्छी तरह से आने लगे हैं। वो डांस उनके मूव्स इतने खतरनाक है जिसने बहुत अच्छा। जैकी श्रॉफ का स्टाइल और स्टंट दोनों ही अलग चलता है। तो आज का वीडियो याद रखी समाप्त होता है। कैसा लगा आपको जग्गू दादा के बारे में वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।